तो मैं एक दिन लेट हो गई, मेरी वीडियो संडे को आनी थी और मंडे को पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं बना नहीं पाई। तो दिवाली आने वाली है और मैंने काफ़ी सारे फेस्टिव डेकोर्स बना लिए हैं, जैसे कि ये दिया होल्डर न्यूज़पेपर से और ये सीडी दिया होल्डर, चूँकि मैंने इन दोनों के शॉर्ट्स डाले हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। आज भी हम वेस्ट मटेरियल से ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूज़पेपर। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर भी नहीं है तो ये जो वेस्ट रजिस्टर्स होते हैं जो कि फिल हो जाते हैं, आप उनके पेपर से भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो न्यूज़पेपर हम सबके घर पे होता है, तो न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से रोल करके हमें कुछ ऐसी बहुत सारी स्टिक्स बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको ऐसे रोल करके, ये आप किसी भी शेप में कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें शेप का ध्यान नहीं देना है, बस इसको ऐसे स्टिक करते जाना है एक के बाद एक। यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप फेविकॉल से भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बना लिए हैं। इसमें मैंने टोटल 20 से ज़्यादा ही स्टिक्स लगाई हैं, तो इसलिए ये इतना थिक और इतना बड़ा बन के आया है। अब हम इसकी शेप पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत ऐसे फोल्ड वोल्ड करके इसको कर रही थी पर वो हुआ नहीं, तो यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का यूज़ करा है इसको शेप देने के लिए। तो अच्छे से मास्किंग टेप लगा लिया है इसको शेप देने के लिए। अब हम इसको पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाइट कलर, और वाइट कलर हम इसके बैक वाले पार्ट पे लगाएंगे। ये जो टेप वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम वाइट कलर लगा देंगे अच्छे से। आप जैसो का यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास वाइट कलर था इसलिए मैं वाइट कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी हम फ्रंट वाले पार्ट पे हम ब्लैक कलर करेंगे अच्छे से, और इसके बॉर्डर्स पे भी अच्छे से ब्लैक कलर कर लेंगे। अब हमें फिर से न्यूज़पेपर चाहिए और उसकी वैसे ही सेम हमें स्टिक्स बनानी है फिर से कुछ इस तरह से, और उसको ऐसे ऐसे रोल करके कुछ ऐसा बनाना है। ये मैंने बहुत सारे यहाँ पे बना लिए हैं, तो अब हम इनको भी पेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लिया, पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने कुछ ये कलर बनाया है। ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये कलर बनाया है। ये मैंने ऑरेंज, रेड और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके बनाया है, और ये कलर रेड ब्राउनिश कलर का ऐसा कुछ कलर आ रहा था, तो ये हमने पेंट कर लिया। मैंने इसको पेंट कर लिया है, अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारा बना था फ्रेम टाइप का, इसके अंदर मैंने पेपर लगा लिया है, और उसके बाद मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है। ये कट वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे ये झरोखा टाइप का लुक आएगा और तभी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ही पेपर लगा देंगे और कट नहीं करेंगे तो वो लुक नहीं आएगा। तो अब ये हमारे ये जो पेपर के रोल्स हमने बनाए थे वो भी हमारे ड्राई हो गए हैं। अब हम इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। फेविकॉल मत यूज़ करिएगा, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी भी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मिरर का भी यूज़ करा है। आप विदाउट मिरर भी इसको बना सकते हैं। तो ये जितने भी मेरे रोल्स थे वहाँ पर मैंने ये लगा दिया। तो अब जो अंदर वाला हमारा फ्रेम है उसको भी हम विदाउट मिरर नहीं छोड़ने वाले हैं, उस पर भी हम यहाँ दूसरे शेप वाले मिरर लगा रहे हैं। और कि आप खुद देख सकते हो कितने सारे लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं हर संडे आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और नए नए टॉपिक्स लेके आती हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो अब हम अपने आर्ट पीस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से जितने भी मिरर्स हैं वो लगाने हैं, और यहाँ पे मैंने सारे वेस्ट मटेरियल ही यूज़ करे हैं इसको बनाने के लिए। तो आप भी इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ही न्यू लुक है, बहुत ही यूनिक है, आपको कहीं पर भी दिखेगा नहीं। तो ये आप ज़रूर बनाइए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, और ये आप वॉल पे स्टिक भी कर सकते हैं और ऐसे ही शोपीस के लिए भी रख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा क्राफ्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले संडे, बाय।